बुलाने जा रहा हूँ शुभांगी दवे, जो एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आ रही है। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से उन उभरते हुए कलाकारों के हौसला अफजाई हासिल करें।
मंडल अध्यक्ष श्री हेमंत सेन जी, श्री आनंद सिंह खिची जी, श्री हेमंत व्यास जी व प्रसिद्ध कवि उज्जैन के श्री दिनेश दिग्गज जी भी यहाँ पर आ चुके हैं। हम उनका यहाँ पे मन से उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आज ये जो हमारा कार्यक्रम है नितिन सक्सेना जी की स्मृति में है, उनकी कुछ यादों को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन में उसको दिखाई देंगी हमारी यादों के लिए। नितिन सक्सेना जी की ये हमारे पास जो रखी है यादें, हम आप सभी के समक्ष लेकर आ रहे हैं। Yeah.
समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुमसे दूर कैसी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कभी रात दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है। मत कहो कि मर गया हूँ, मरा नहीं हूं, स्थिर हो गया हूं। बस बोल नहीं सकता हूं तो क्या, देख सकता हूं, सुन भी सकता हूं तुम्हारी बातें। मत कहो कि मर गया हूं मैं, क्योंकि जीवित हूं मैं आज भी। ध्यान से देखो, खुले आसमान में जुगनुओं से टिमटिमाते उन सितारों के बीच गर्व से गतिमान उस वायु में जीवित हूं। मत कहो कि मर गया हूं मैं, सपनों में, उम्मीदों में, आंगन की फुलवारी में जीवित हूं। कर्तव्यों का बोझ और सपनों का महल जो तुम्हें दिया है मैंने, लगन से संवारना इसे, उसी लगन के परिणाम में जीवित मिलूंगा तुम्हें। क्योंकि सपनों के महल के साकार स्वरूप में हर जगह पर, हर कदम पर जीवित हूं मैं। इसलिए तो कहता हूं कि मर गया हूं, मत कहो मुझे। सत्य कहता हूं, विश्वास करो मेरा कि जीवित हूं मैं, जीवित हूं मैं, जीवित हूं मैं। अगली आवाज देता हूं मैं शुभी त्रिवेदी को, व्याय और एक खूबसूरत सनम मंगल करें।